पार्ट फोर जरूर कार्टून में बननी चाहिए, एनिमेशन में बननी चाहिए। मुझे नहीं पसंद आई फिल्म। जॉन रिचा चड्ढा जो है वो शी इज वेरी ढीली, मतलब ठीक ठीक थी, मतलब ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा सा मुझे गीत संगीत की थोड़ा सा कमी जो है। कैसी है मैम फिल्म? कैसी है फिल्म? बहुत अच्छी है, मजा आया, पैसा वसूल पूरा पूरा। फुकरे थ्री बहुत अच्छी लगी मूवी। इस बार क्या अलग है, कॉमेडी कैसी है? कॉमेडी तो हर बार उनकी अलग ही होती है और बेस्ट ही होती है कॉमेडी उनकी। कहानी में कुछ मैसेज भी देने की कोशिश कर? हाँ, पानी के ऊपर मैसेज है, जो दिल्ली में प्रॉब्लम है पानी सबसे बड़ा, उसके ऊपर मैसेज है। और बहुत अच्छी बात है कि पानी सबका है, किसी का हक नहीं है उसके ऊपर। ये बहुत अच्छी मूवी है। परफॉर्मेंस कैसा था सर? बहुत अच्छा मूवी है, अच्छा। सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, राइटर डायरेक्टर ने जी, और मैं खुद वी एफ एक्स से हूँ, मैंने खुद इसमें काम किया हुआ वी एफ एक्स, तो बहुत अच्छी मूवी है। ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसका लगा? सबका अच्छा है, लेकिन चूचा का हमेशा आप होता ही है, बहुत अच्छा है। क्या रिकमेंड करोगे, जाना चाहिए लोगों ने देखने? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो ऐसी मूवी दोबारा नहीं मिलेगी आपको। फन कॉमेडी एंटरटेनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी स्टोरी वाइज सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी। क्या रेटिंग रहेगी? 5/5। और वो जी फिल्म मस्त, जबरदस्त अच्छी है, फुल टाइम पास है, फुल एंटरटेनिंग है, टाइम पास है। ओके, कॉमेडी कैसे थी, परफॉर्मेंसेस कैसे थे सबके? मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं, बट कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है और कॉमेडी भी है, तो भरपूर एंटरटेन करने वाली है, जनता को काफ़ी पसंद आएगा। के मैसेज के साथ में कुछ एक, हाँ वो मैसेज में रिवील, हाँ वो मैं मैसेज रिवील नहीं करूँगा क्योंकि स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बट डेफिनेटली बहुत एंगेजिंग है मूवी, और मतलब शुरू से लेके लास्ट तक आप बोर नहीं होने वाले हो, फुल टाइम एंजॉय करोगे। मतलब 2 घंटे 20 मिनट आपको बैठा के रखेगी, बांध के रखेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि उठ के चले जाओ, बांध कर रखेगी पिक्चर। ओके, क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 5? 3.5। फुकरे 3 या इट वॉज रियली गुड, मतलब ठीक ठीक थी, मतलब हो सकती थी और बेटर, बट सम जोक्स डिड लैंड सम जोक्स डिड नॉट, सो या बट इट्स ओवरऑल अ वन टाइम वॉच, टाइम पास हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, 20 मिनट्स की फिल्म है, कभी कभी लगेगा नहीं होगा बट मोस्टली हो जाएगा। परफॉर्मेंसेस अमेजिंग, बोली पंजाबन, लव देम ऑल, परफॉर्मेंसेस आर इट्स रियली गुड, जोक्स थोड़े बेटर हो सकते थे, थोड़े और बेटर। हाँ जी, क्या लग रहा है पब्लिक को पसंद आई जाएगी? फ्रेंचाइजी, आप पीपल विल कम एंड वॉच एंड दे लाइक इट, सो द रीजन इज अबाउट फ्रेंचाइजी की पब्लिक ने खरीदी। यप। ओके, व्हाट विल बी योर रेटिंग? 3। कैसी लगी आपको फिल्म फुकरे 3? अच्छी है, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है। ओके, 2 घंटे 20 मिनट के पिक्चर है, बिठा सकी आपको फुल? 2 घंटे 20 नहीं 2 घंटे 30 मिनट की है। 2 घंटे 30 150 कितना होता है, 60 गुना 120, 2.5 घंटे की पिक्चर हो गई ना। अच्छी है, टाइम पास, कहानी अच्छी है, थोड़ा डायलॉग्स में थोड़ी कुछ कमी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकता था, ये कि हर तरह का मसाला डाला, समस्या भी डाली, पानी सब कुछ डाली, कार्टून में होती ज़्यादा अच्छा था, एनिमेशन में होती ज़्यादा अच्छा था पिक्चर। फोकरे बच्चों को अच्छी लगेगी, लास्ट में जो सीन है वो सब बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, कॉमेडी मतलब इस बार दमदार थी, ठीक है, तो पहली वाली देखी थी वो तो सुपर हिट हो गई थी। असल में क्या होता है, जो सीक्वल होते हैं वो हमेशा उतने स्ट्रांग नहीं होते जो एक फर्स्ट वाली होता है, पहले की बातें कुछ हो रही है, वो ओरिजिनल होती है, बाकी तो एक होता रहा, एक बस एक परंपरा निभाई जा रही है 1-2-3 सीरीज के साथ, तो ये परंपरा वाइज चलते हुए आ रही है। हाँ, पार्ट 4 जरूर कार्टून में बननी चाहिए, एनिमेशन में बननी चाहिए, ये हमारी मतलब अपनी व्यक्तिगत राय है, सलाह कह सकते हैं। परफॉर्मेंस ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस है, थोड़े डायलॉग थोड़े हल्के हैं, मतलब डायलॉग से थोड़ी कुछ कमी हो सकती है, बाकी ठीक है। क्या रेटिंग रहेगी सर? 5 में से 5 में 2.5 एवरेज। फुकरे 3 जी, आज प्रीमियर था, तीसरा पार्ट आया, कैसी लगी आपको? फिल्म पूरा स्क्रू बॉल कॉमेडी है, और फिल्म स्क्रू बॉल कॉमेडी है,
ये जॉनर जो है फुकरे के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में कभी इस्तेमाल हुआ है. मतलब इसमें स्टूपिड कॉमेडी है. आई वुडंट से इट इज़ अ बैड फिल्म, बट द फिल्म इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस. इट इज़ नॉट अ जॉनर दैट आई लाइक. तो मैं तो मतलब आई इन्जॉयड इट. मैं हंस भी रहा था, मजाक भी उड़ा रहा था कैरेक्टर्स की. मुझे बहुत कभी कभार मजाकिया लग रहा था. उसके अलावा मैं और क्या बोलूँ. तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक इट इज़ नॉट योर काइंड ऑफ फिल्म. कौन से पब्लिक को ये फिल्म पसंद है. जो मतलब फालतू जोक्स पे हंसते हैं, जो मतलब मीडियो को जोक्स पे हंसते हैं. मतलब पंकज त्रिपाठी के कुछ भवे भवे ऐसे ऐसे करने पे उनका हंसी निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को पसंद आएगा. तो मेनली जो टायर 2-3 सिटीज़ है उनके जो ऑडियंसेस हैं उनको पसंद आएगी. इवन बॉम्बे के ऑडियंसेस को पसंद आ सकती है. वही जो इस तरह का सेंसिबिलिटी रखते हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है करके 10-15 जन साथ में मिलके देखना, वही दैट इज़ द काइंड ऑफ क्राउड दैट दीज पीपल आर इवन केटरिंग टू. एंड दैट इज़ द क्राउड दैट इज़ गोइंग टू लाइक द फिल्म ऑफ समवन हुज इनटू कंटेंट एंड हु लाइक सीरियस सिनेमा फॉर द सेक ऑफ द लैंग्वेज, फॉर दैट मैटर ऑफ द फिल्मिक लैंग्वेज. I won't like the film. Yeah, you have seen the first part, the second, and now the third. Which one was better? No, I haven't seen the first part. No. I hadn't seen the second part. In fact, this is the first time I'm watching any film from that franchisee. Okay. So, वो सवाल ही redundant है. मैंने ये मेरे choice का picture है ही नहीं. लेकिन मुझे बुला. किसका पसंद आया? कौन सा punch अच्छा लगा? Punch. मुझे तो कुछ याद नहीं है ऐसा कुछ पंच, तो आई डोंट क्वाइट रिमेंबर. नहीं तो मुझे अगर कुछ अच्छा लगता तो फिर वो हट के रह जाता मेरे दिमाग में और मैं वो फिर रिलेट भी करता. बट दिस वॉजन्ट समथिंग विच परहैप्स हिट मी हार्ड कि मैं उसको दिमाग में रखूं. और जहाँ तक मतलब दूसरे पंचेस मतलब और नेक्स्ट व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. परफॉर्मेंस. अच्छा परफॉर्मेंस. जहाँ तक परफॉर्मेंसेस का सवाल है, एवरीबॉडी वॉज अ लिटिल ओवरड्रॉन. ऋचा चड्ढा जो है वो बहुत ही मतलब लूज ढीली से पता नहीं, शी डजंट रियली मीन, पता नहीं उसका वही बॉडी लैंग्वेज है या उस तरह से ही वो बात करती है क्या है, आई डोंट नो. शी इज़ वेरी ढीली. मुझे बहुत ढीली सी लगती है. मुझे ऐसा लगता है वो बॉडी हिला भी नहीं सकती. एक वक्त आता है जब पूरे मतलब शी गेट्स अ लिटिल क्रेजी, शी गेट्स अ लिटिल मैड एंड बहुत खुशी में चूचा को लेके नाचती रहती है इधर उधर. तो उसमें विगरस होना चाहिए था, विगर होना चाहिए था उसके बॉडी के मूवमेंट में. वो था नहीं, बहुत ढीली सी थी. तो वो चीज़ मुझे एक खटका. दूसरा ये जो बाकी जितने भी थे, चूचा तो ठीक है, ही वॉज बी. हाँ चूचा, व्हाट्स हिज नेम, द गाय हु प्लेड चूचा, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर हिज नेम. वरुण एग्जैक्टली. वरुण ग्रोवर ना, वरुण शर्मा. ओके. चूचाज कैरेक्टर इज दैट ऑफ लिटिल बॉय. उसको कुछ समझ में, बच्चा दिमाग है और वो इस तरह से करता रहता है हमेशा हर जगह पे जाके. वो मतलब जिसको जो चीज़ बोलना नहीं चाहिए वो बोल देता है और जिसकी वजह से बाकी के सारे लोग उनके ग्रुप में जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. दिस इज़ द फिल्म बेसिकली. कुछ मतलब खास नहीं है. सो चूचा का कैरेक्टर जिसने निभाया वरुण ने, ही हैज़ डन अ गुड जॉब. समटाइम्स इट जस्ट इज़ अ बिट टू मच यू नो, एंड एवरीबडी एल्स फॉर दैट मैटर. No, what message? No message. There is no message in the film. Oh. There is no message at all. And come on, yaar. In such films, this question itself is redundant. In films like Fukre, it's a screwball comedy. Usme kya message dega koi? Message dene ka kuch hai nahi. What will be your rating for Fukre 3? 2 out of 5 stars. 2 out of 5. Mediocre. Mediocre. Fukre I, Fukre Returns, I am Fukre 3. कैसे? देखिए, जो दो थी पहले के, वो बहुत उम्दा फिल्में थी, तो इससे भी एक्सपेक्टेशन लोगों के बहुत हाई थे. स्टोरी वाइज मुझे अच्छी लगी और मैं इसमें डायरेक्टर को वो भी देना चाहूँगी बधाई कि उन्होंने साफ़ सुथरी कॉमेडी के साथ कॉमेडी के पंचेज लिखना इतना आसान नहीं होता है. जब डुअल मीनिंग वाले जो डायलॉग्स होते हैं बहुत आसान होता है लिखना, तो उस लिहाज से फिल्म बहुत अच्छी है. बच्चे भी देख सकते हैं और फुकरे नेचुरली बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो उस हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी बनाई और कॉमेडी भी हल्की फुल्की अच्छी थी. बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, जो कुछ दो सॉन्ग थे अच्छे लग रहे थे, ठीक ठाक वो थे. लेकिन जो एक्टर्स हैं वो बहुत टैलेंटेड थे, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो शर्मा हो,
सारे ऋचा चड्ढा हो या फिर पुलकित सम्राट हो, सब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। तो एक्टिंग ने स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रीन प्ले या कहना चाहिए कि उसमें थोड़ा झोलझाल लगा मुझे, तो उसके लिहाज से मैं इसको 3 देना चाहूँगी। 3 जाना चाहिए, लेकिन लोगों को जाना चाहिए देखने के लिए, बच्चों को खास तौर पे बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। शुक्र इतनी। देखिए आपने 1, 2 और तीसरी पार्ट आई है, कैसे लगी आपको फिल्म? जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं इस तरह की फिल्में नहीं इन्जॉय कर पाता हूँ। मुझे कॉमेडी अगर चाहिए तो सोचना नहीं पड़े हंसने के लिए, और इतना भी देख लिया है ना, कॉमेडी भी इतना, टीवी में भी सब कुछ देख लिया, तो इतना कॉमेडी ऐसी हो जो सहज ही आपको स्क्रीन में देखकर कुछ ऐसा एंगल हो, बॉडी मूवमेंट हो, मतलब मैं कुछ चीज़ें, बहुत सारी फिल्में हैं पुरानी जो याद आती हैं जिनमें ना कॉमेडी के लिए कुछ फूहड़ ना तो डायलॉग लिखे जाते थे और ना ही ऐसा कुछ किया जाता था जिसके लिए हंसने के लिए लिखा जाता था, कुछ ऐसा सिचुएशन होता था और आपको हंसी आ जाती थी। मुझे नहीं पसंद आई फिल्म, मैं ठीक से रिव्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस तरह की फिल्में नहीं पसंद आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं पर काम नहीं है, ना लेखन में काम है, ना डायरेक्शन में काम है, क्या चीज़ क्यों हो रहा है, मतलब सुसु करने से और पसीना बहाने से पेट्रोल होता है क्या, मतलब कौन सा है, मतलब सॉरी थोड़ा सा अभी हम वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, अच्छा क्रिएट करो, अच्छा लिखो, थोड़ा लॉजिकली लिखो। सर्कस भी एक फिल्म आई थी, मतलब वो भी ऐसी बेकार सी फिल्म थी। अच्छा बजट है आप लोगों के पास, नई कहानियों पे आप लोग काम करो, आप लोग कहानियाँ क्यों नहीं ले रहे हो, गांव में या जो अर्बन भारत है वहाँ पर बहुत अच्छी कहानियाँ लिखने वाले लोग हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उनकी प्योर कहानियों को लोग पढ़ो, आपके यहाँ जो कहानी छांटने वाले लोग बैठे हैं उनको बोलो कि उनकी कहानियाँ पढ़ें। हमसे कई लोग टकराते हैं जर्नलिस्टों से और कहते हैं कि हमारी कहानी को उनको कैसे हम भेजें। प्लीज़ आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पर अर्बन भारत में जो यंगिस्तान है वो बहुत अच्छी लॉजिकल कहानियाँ लिख रहा है और वो भी वर्ल्ड सिनेमा देखता है। ये जो नए बच्चों का की कल्पना शक्ति इमेजिनेशन होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है, तो कुछ ऐसी कहानियों पे काम करिए, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास एक्टर्स हैं, आपके पास डायरेक्टर है, सब कुछ है, आप पानी की तरह आप पैसा बहा रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये फ्रेंचाइजी जो लोग देखते हैं उनकी को शायद पसंद आएगी जो फुकरे प्रेमी हैं, जैसे जो गदर प्रेमी हैं, तो बहुत डिसअपॉइंटेड। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, 5 में से क्या रेटिंग है? प्लीज़ मत पूछिए, मैं इस तरह की फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता हूँ, ताकि अच्छे लेखक आएँ, अच्छा निर्देशन हो, अच्छा सिनेमा बने, इसीलिए फिर बॉलीवुड बहुत पीछे रह जाएगा। हम गाँव में क्यों नहीं जा रहे हैं, हम नए लोगों से क्यों बात करने में हिचक रहे हैं, हमको करना है उनकी, क्यों? आप अच्छा लिखोगे उसके बाद जब कागज़ पे फिल्म अच्छी लिखी जाएगी, ये फिल्म कहीं पर चोट नहीं करती, ना दिल को चोट करती, ना आँखों को अच्छी लगती, ना दिल को अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। प्लीज़ अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। थैंक यू सर। 3 कैसे ले गए आप? हो गए टेंशन फ्री देख के फुकरे 3। माय गॉड, क्यों इतना टेंशन था? भाई देखिए जर्नलिस्ट की लाइफ है तो भागना दौड़ना यहाँ का, और वैसे भी टेंशन किसको नहीं है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को सैलरी लेट आए उसकी टेंशन है, घर का टेंशन है, वो टेंशन है, तो इन सब टेंशन के बीच सोचता है आदमी हम कहाँ जाएँ कि टेंशन फ्री हो जाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि हो गया है टेंशन फ्री, तो देखो फुकरे 3 पसंद आई है, मतलब एकदम पसंद आई। और सबसे बड़ा इसमें हमको अपडेट, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला इसमें। 7 साल पहले जो टेक्नोलॉजी उतनी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन इन 7 सालों में जो टेक्नोलॉजी में अपडेट आया है, साउंड का हो गया, VFX का हो गया, पिक्चर क्वालिटी की हो गई, तो उसमें हमको बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला टेक्नोलॉजी में अपडेट। बाकी मूवी तो एंटरटेनिंग है, फुल एंटरटेनमेंट ही हुआ इसमें, और वाकई मैं मेरा टेंशन भूल गया सुबह का अब तक का। और हाँ गाना बहुत सुपर है। हाँ हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा सा मुझे गीत संगीत की थोड़ा सा कमी जो है दिखी। गाने जिस हिसाब मूवी के हिसाब से अगर एक ऐसा गाना होता जिससे कि जैसे कि अमूमन कोई फंक्शन होता है तो जो गाना किसी, भले मूवी बेकार है
लेकिन उसका एक गाना जरूर बसता है जी। तो वैसा एक गाने की मुझे कमी लगी कि मूवी कम से कम एक गाने वैसा होना चाहिए था कि अभी वेडिंग सीजन आने वाले हैं तो कम से कम इस मूवी से एक गाना उसमें बजाया जाता, तो मुझे वो एक गाने की कमी लगी। अगर शायद मेरी बात पहुंच जाए इसके जो भी डायरेक्टर्स होंगे क्रिएटर्स होंगे तो इसका जो मेरे हिसाब से जो फिल्म का एंड हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक और पार्ट आएगा आएगा तो उसमें अगर ये कमी पूरा कर दिया जाए कि एक गाना कोई ऐसा इसमें रखा जाए, एक गाना ज़्यादा अगर दो भी रख सकते हैं लेकिन एक गाना कोई ऐसा रखा जाए कि कोई भी फंक्शन में इसको इस गाने को ज़रूर प्ले करें डांस करने के लिए तो फिल्म की कमी पूरी हो जाएगी। फाइनली पाँच में से क्या रेटिंग? मैं इसको थ्री एंड हाफ शेयर करें, थ्री एंड हाफ थ्री के लिए आधा और बढ़ा दिया मतलब हाँ। और इसमें यही जो कमी लगी शायद नेक्स्ट पार्ट में अगर पूरा हो जाए तो अच्छा है कि एक गाना इसमें ज़रूर ऐसा है कि पब्लिक झूम जाए बस एक गाना, बाकी मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी। थैंक यू मैम फॉर योर ऑनेस्टी।